अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, कुकर में मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और तीन मैंने प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो हम अब इनको फ्राई करेंगे रिफाइंड ऑयल में। गैस की फ्लेम स्लो ही रखें, अगर हाई कर देंगे तो प्याज हमारी जल जाएगी। तो स्लो फ्लेम पे हमने देखिए इस तरह से भून ली है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे और हाथों से इसको बचूर देंगे, या आप मिक्सी में भी इसे चला सकते हैं। तो देखिए, हम सारी जो प्याज है हमारी अच्छे से भून चुकी है, हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये जो तेल बचा हुआ है, इसी तेल में हम गोश्त को डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है, स्लो फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है। तो जब तक हमारा जो गोश्त है वो फ्राई होता है, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें लहसुन अदरक प्याज और मसाले डाल लिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। तो मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है और अब इस पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से भून चुका है और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और हम इसमें चार पांच सीटी लगा लेंगे। चार पांच सीटी में आराम से गल जाता है। तो देखिए, सीटी लग चुकी थी, मैंने इसको खोल लिया था। अब देख सकते हैं तेल इसका ऊपर हो गया है और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर फिर इसे कुकर को गैस पे रख देंगे और चार पांच हमने इसमें हरी मिर्च डाली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, एक कटोरी हम दही ले लेंगे। दही आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि प्याज जो होती है मीठी होती है तो दही से बैलेंस हो जाता है। तो दही एक कटोरी मैंने इसमें डाल दी है। अब दही के साथ हम इसको स्लो फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जब हमने दही डाली थी उसके बाद हमने जो भुना था वो भी अच्छे से भुन चुका है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो मैंने जो आलू लिए हैं मैंने उनको फोर पीसेस में कट कर लिया है और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ग्रेवी के हिसाब से हमें पानी डालना है। आपको कितनी कैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने एक गिलास पानी इसमें डालकर एक सीटी लगा ली थी। तो अब बाद में मैं डाल ली हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में प्याज भूनी थी वो मैंने हाथों से कर ली थी, तो वो डाल दी है। आधा चम्मच मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया, क्योंकि मैंने इसमें खड़े मसाले का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, तो मैंने इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड, सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी था। फ्रेंड्स, आप अपने घर पे जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप खाते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।